चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटें जीतकर फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कही। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ने विगत 4.5 सालों में भ्रष्टाचार व गुंडा राज मिटाया है। हम अपनी उपलब्धियां व कामों को लेकर जनता के बीच है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रदेश में कितना काम हुआ है। सन 2017 में अखिलेश यादव में साहस नहीं था कि अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, फिर भी मात खाई। सन 2019 में उन्होंने धुर विरोधी बसपा में गठबंधन किया, लेकिन फिर निराशा मिली। अब कोई दल उनसे गठबंधन को तैयार नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बसपा का भी बुरा हाल है। सपा समेत सभी विपक्षी दल इस चुनाव में 50 सीटों पर सिमट जाएंगे। उन्होंने कहा, भाजपा 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने जा रही है। 4 करोड़ सदस्यों के बल पर हम उत्तर प्रदेश में उतरेंगे और प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। विपक्षी दल बौने रह जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी सहजेंद्र सिंह बघेल, सौरभ मिश्रा, प्रियांशु डे, देवेंद्र दुबे आदि मौजूद रहे। गोरखपुर व महंगाई पर घिरे प्रवक्ता, गोरखपुर व झांसी में पुलिस की गुंडई के सवाल पर प्रदेश प्रवक्ता घिरते नजर आए। वहीं पेट्रोल, गैस व खाद तेलों की लगातार बढ़ती कीमतों से जुड़े सवालों पर भी प्रदेश प्रवक्ता बगले झांकते नजर आए। झांसी से प्रदीप की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सत्ता का विस्तार किया, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के आया है सामने। उत्तर प्रदेश में हमने अपना सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में 1918 मंडलों में हमने मंडल मीडिया प्रभारी बनाने का निर्णय किया है, और अभी सभी मंडल मीडिया प्रभारियों की हम कार्यशाला हर जिले में कर रहे हैं। और आज झांसी महानगर और झांसी जिले की मंडल मीडिया प्रभारियों की कार्यशाला है, और उसी कार्यशाला के लिए बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी वास्तविकता में आज घबराई हुई है, उसके हौसले पस्त हो चुके हैं। 2017 में जब उनके पास पूरा बहुमत था उत्तर प्रदेश में, विधायक उनके पास 200 से ज्यादा विधायक थे, तब उनको हाथ का साथ पकड़ना पड़ा। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अपना हाथ छुड़ा करके चली गई। युवाओं के साथ का उनका नारा फेल हो गया। फिर वो बुआ की शरण में चले गए, और बुआ बबुआ का गठबंधन बना करके वो उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बुआ बबुआ के गठजोड़ को खारिज कर दिया। आज स्थिति है कि अखिलेश यादव जी को कोई साची ढूंढे नहीं मिल रहा है। ऐसे में 400 सीटें की बात करना बहुत हास्यास्पद है। सर, एक सवाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के आधार पर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है, अपने कार्यक्रमों अपनी नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ती है, अपने संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है। चेहरा कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम, हमारी नीतियाँ, हमारे विचारधारा, हमारे शासन करने के लिए जो हमने वादे किए, संकल्प किए हैं, हमारे वो स्थायी रूप से रहेंगे। और जो भी कमल का फूल लेकर के चुनाव लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, और उसको जनता आशीर्वाद देगी। Never miss an